कहानी सुननी है तो चलो सुनाता हूं। एक बहुत बड़ा जंगल था, उसमें एक खरगोश और एक कछुआ रहता था। अरे सर, ये तो कई बार सुनी है, कोई नहीं सुनाया ना सर। आप ठीक से सुनिए तो सही। पहली बात, कछुआ और खरगोश आपके लिए पुराने हैं, कहानी पुरानी थोड़ी है। तो बात यह थी कि एक बार कछुए और खरगोश के बीच में स्पर्धा हुई, और उस स्पर्धा में अचानक से कहीं से एक बाघ आ गया। बाघ आकर सीधा खरगोश के पीछे पड़ गया, और यह देखकर कछुए ने भी जितना हो सका उतना जोर लगा के दौड़ना शुरू किया। बीच में आ गया एक तालाब, कछुए ने तुरंत ही छलांग लगाकर तालाब में कूद गया। तुरंत ही उसने खरगोश को आवाज दी, चलो चलो खरगोश भाई, मेरे पीछे आ जाओ। खरगोश ने जैसे ही कछुए को तालाब में तैरते हुए देखा, वो तुरंत कूद के उसकी पीठ पर जा बैठा। अभी पीठ पर जाने के बाद दोनों पीछे देखने लगे, और बाघ अपने आगे के पैर मसलते हुए रह गया, क्योंकि अभी तो शिकार उसके हाथ से जा चुका था। फिर क्या हुआ सर? फिर क्या होना था, तालाब की दूसरी ओर जाकर कछुआ और खरगोश दोनों पार उतर गए। तब तो खरगोश ने कछुए को थैंक यू बोला ही होगा। और स्पर्धा खत्म? नहीं, जैसे ही तालाब पार हुआ, बाहर निकलते ही खरगोश ने कहा कि भाई, मदद करने में, मेरी जान बचाने में तुम आगे हो, तैरने में भी तुम आगे हो, लेकिन दौड़ने में तो अव्वल मैं ही हूं। यह कर वो भागने लगा। स्वार्थी कहीं का, बेवकूफ ऐसा नहीं करता। अरे सुनो तो सही, आगे दौड़कर पहुंच जाने के बाद खरगोश ने तुरंत ऐलान किया कि दौड़ने में तो मैं ही नंबर वन हूं, लेकिन मेरी जान बचाने में, मेरी मदद करने वाला जो है, उस बारे में कछुआ नंबर वन है। तो आज से जंगल में इस प्रकार की कोई स्पर्धा हम नहीं करेंगे, आज से सारी स्पर्धाएं बंद। इसी तरह किसी भी कहानी को नया बना सकते हैं। आपको बनानी है कोई नई कहानी? तो चलो ठीक है। एक कहानी में क्या क्या होता है? पात्र होते हैं, कोई घटना होती है, कोई संदेश होता है। तो इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर सभी में कुछ न कुछ बदलाव लाने की कोशिश करो तो पूरी कहानी नहीं बन जाती है, जैसे कि हमने अभी अभी सुनी। सही बात है ना? हाँ सर। पुरानी कहानी से नई कहानी बनाने के लिए कहानी के पात्र जो हैं वो तो वो ही रखने हैं, उसके अलावा नए पात्र ले सकते हैं। पुरानी कहानी के पात्रों के स्वभाव को बदल सकते हो, जैसे अगर कोई चालाक था तो उसे मूर्ख दिखा सकते हो, या कोई मारने वाला था तो उसे बचाने वाला भी दिखा सकते हो। कहानी में जो हो रहा है उसमें आगे या पीछे बदलाव ला सकते हो, जैसे कछुए और खरगोश में स्पर्धा तो थी जो मुख्य घटना है, लेकिन उसमें आगे पीछे क्या होता है वो हमने बदल दिया। उसी प्रकार घटना बदल सकते हो। कहानी से आपको जो संदेश देना है वो भी बदल सकते हो। तो चलो अब हम बंदर और मगर वाली कहानी लेते हैं, ठीक है? हाँ तो चलो, उसमें मूर्ख कौन था, मगर या बंदर? बोलो। मगर मूर्ख था। मगर मूर्ख था। और बंदर? बंदर चालाक था। बंदर चालाक था। तो चलो उनको बदल देते हैं, मतलब कि अभी इस बार मगर को चालाक बना देते हैं और बंदर को मूर्ख बना देते हैं, ठीक है? ठीक है। और पूरी घटना क्या थी? मगर की पत्नी को बंदर का कलेजा खाना था, और मगर बंदर को पानी में लेकर आया था। तो चलो इसमें मुख्य घटना को वही रखते हैं, मतलब कि मगर
बंदर को पानी में लेकर आएगा, लेकिन उसके पीछे का जो कारण है उसको हम बदल देंगे। ठीक है? ठीक है सर। अगर कुछ शब्द मिल जाते तो कहानी बनाना आसान हो जाता सर। अगर शब्द चाहिए तो ये लो मेरे शब्द, शरारत, गोबर, परेशान, गुस्सा, दिमाग लगाना, मीठी बातें, सबक सिखाना, दोस्ती। तो मिल गए शब्द। हाँ, और याद रखना इस बार कहानी का हीरो मगर है, बंदर नहीं। मिलकर चर्चा सबको करनी है, लेकिन कहानी एक ही लिखनी है, वो ध्यान रखना। ठीक है सर। तो ये रही आपकी कहानी। नदी के किनारे पर एक बंदर रहता था, वह बहुत शरारती था। नदी में जो मगर रहता था उसको वह बहुत परेशान करता रहता था। कभी उस पर पत्थर फेंकता तो कभी मुंह बनाकर उसकी मजाक उड़ाता। एक बार तो जब मगर धूप में आराम कर रहा था तब बंदर चुपके से वहां गया और मगर के खुले मुंह में गोबर डाल दिया। मगर गुस्सा हुआ लेकिन बंदर को बेचारा कैसे पकड़े, वो तो पेड़ पर बैठ गया था। फिर मगर ने दिमाग लगाया, उसने बंदर से कहा, शुक्रिया बंदर जी, मैं गोबर ही ढूंढ रहा था, मुझे वैद्य जी ने गोबर खाने को कहा था, आपका बहुत बहुत आभार। इस तरह मगर बंदर को रोज मीठी मीठी बातें बताने लगा। फिर एक दिन बोला, आज तो मैं आपको पानी में सैर कराऊंगा, आइए मेरी पीठ पर बैठ जाइए। बंदर तो कूद के मगर की पीठ पर बैठ गया। पहले तो बड़ा मजा आया, लेकिन जैसे ही पानी के बीच में गए वैसे ही मगर बोला, अरे बस भैया, अब तुम जाओ, मैं थक गया हूं। बंदर घबरा कर बोला, लेकिन मुझे तो तैरना नहीं आता। मगर ने कहा, वो तुम जानो भाई, देखो हम पेड़ पर नहीं आ सकते तो इस बात का फायदा लेकर तुम हमें कितना तंग करते हो, बताओ बताओ। अब बंदर सब समझ गया, उसने माफी मांगी, वचन दिया कि आगे से वो कभी मगर को तंग नहीं करेगा। फिर मगर उसको नदी के किनारे छोड़ आया। बंदर ने पेड़ से बहुत सारे फल नीचे गिराए, मगर के लिए ही तो, क्योंकि अब दोनों सच्चे दोस्त बन गए थे। तो मजा आया ना दोस्तों? ये था कहानी में ट्विस्ट। कहानी के पात्रों को, उसके पहलुओं को अदल बदल करके नई कहानी की रचना करना। लेकिन इसी प्रकार अगर आपको सिर्फ शब्द दिए जाए तो उसमें से भी आप नई कहानी आसानी से बना सकते हो। जरूरत है तो सिर्फ उन शब्दों के आसपास एक कहानी को बुनने की। आपको उन शब्दों से नए नए विचार आएंगे और उस विचारों को आप जैसे जैसे जोड़ते जाएंगे तो बन जाएगी नई कहानी। कहानी को मजेदार बनाने के लिए बहुत खुलकर कल्पना करनी होगी। जो आज तक सोचा नहीं वो सोचना होगा। हम जिन लोगों को या पशु पक्षी चीजों को जिस तरह देखते आए हैं उनसे बिल्कुल अलग कल्पना करनी होगी। वो लोग ज्यादातर जैसे रहते हैं, जिस तरह काम करते हैं, जैसा उनका स्वभाव है, उन लक्षणों से उल्टे लक्षण वाले बताने होंगे। मान लीजिए आपकी कहानी में सूर्य का पात्र है तो उसके लिए क्या कल्पना करेंगे? खाता हुआ, नहाता हुआ, नाचता हुआ, सोता हुआ, नौकरी करता हुआ, शादीशुदा, कुश्ती करता हुआ, गाता हुआ। देखो, कल्पना में जो शब्द मिले हैं उन पर से ऐसी कुछ कहानी बन सकती है। स्काई फार्मा में मैनेजर की नौकरी मिली तो सूरज खुशी के मारे नाच उठा। उसके हजार हाथों में अंगारों के घुंघरू बांधकर नाचता हुआ
सूरज गर्मा गर्म गाने गाता हुआ झूमने लगा। इतने में उसकी बीवी बदली बाई आई और डांट दिया, यह क्या बचपना है, जाओ पहले भाप से नहा लो और फिर बाजार से मेरे लिए मिठाई ले आओ, और हाँ रेनबो साड़ी जरूर लाना, वर्षा रानी की टेरेस पार्टी में मुझे वही पहननी है। अपनी बीवी बदली बाई को देखकर सूरज छिप गया। शर्म के मारे इतना भाप भाप हुआ कि उसी भाप में नहा भी लिया। फिर झट से एक बड़े बादल का पैराशूट लेकर वह समुन्द्र बाजार गया और वहां से नमकीन हवाईदार लंबी मिठाइयों की एक गुलछड़ी ले ली। रेनबो की साड़ी में उस छड़ी को लपेटकर वह घर की ओर जाने लगा। लेकिन रास्ते में उसके दो दोस्त ऑक्सी और हाइड्रो मिले। उनके साथ खेलते खेलते वह सारी चीजें गायब हो गई। जैसे ही बदली बाई सामने आई तो सूरज को बड़ी उलझन हुई। वो शर्म के मारे फीका पड़ गया और वह फिर से किसी बड़े बादल के पीछे जाकर छिप गया। तो देखा, पिछली बार हमने एक चित्र को देखकर उसमें से कैसे कहानी बनाते हैं उसके बारे में बात की थी। आज एक कहानी को अलग ट्विस्ट देकर नई कहानी बनाने के बारे में सोचा, और अगली बार जब हम मिलेंगे तो किसी नए प्रकार से अपनी रचनात्मकता को एक दिशा देकर एक नई कहानी कैसे बनाते हैं उसके बारे में सोचेंगे। लेकिन तब तक के लिए आप लोग पुरानी दोनों चीजों को ध्यान में रखकर नई कहानी लेकर आओगे ना मेरे लिए? तो मिलते हैं अगली बार आपकी कहानियों के साथ। क्विज टाइम। पुरानी कहानी से नई बनाने के लिए कौन से मुद्दे ध्यान में रख सकते हैं? कोई भी तीन मुद्दे बताओ।